आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। सिद्धार्थनगर में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बयान पर उन्हें घेरा। विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार में आए दिन बम धमाके होते थे, लेकिन मोदी सरकार में धमाका नहीं हो रहा तो नसीरुद्दीन शाह को डर लग रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, कोई हफ्ता नहीं बचता था। जिस हफ्ते में कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी ट्रेन में, कभी दिल्ली में मुख्य मार्केट में, मुंबई के ताज होटल के पास, लखनऊ में, गोरखपुर में, पूरे देश के हर कोने में बम विस्फोट होता था। तब उनको इस देश में खतरा नहीं लग रहा था। मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी बम विस्फोट की घटना नहीं घटी, ये रिकॉर्ड है। अब उनको जरूर डर लग रहा है। हमारे कुछ बंधुओं ने उनको टिकट भिजवा दिया है कि वो पाकिस्तान चले जाए, वो सुरक्षित रहेंगे। जहां रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, आतंकवादी कोई और दूसरा नहीं मार रहा। यह माहौल खराब करने का, षड्यंत्र करने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है। भारत की छवि धूमिल करने का ठेका लिया है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान के बजाय हमारे ख्याल से तालिबान चले जाना चाहिए, वहां ज्यादा सुरक्षित रहे। फतेहपुर पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन शाह अच्छे कलाकार हैं, उनके जैसे तमाम लोग इस वक्त देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नरेशोत्तम ने भाजपा पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। नसीरुद्दीन साहब इस देश के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और इस देश के वासी हैं। नसीरुद्दीन साहब जैसे तमाम लोग जो इस देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी धर्म और जाति की झगड़ा लगा करके लोगों के बीच में जो सामाजिक समरसता उसको बिगाड़ रही है। उनके बयान से सबका समर्थन करते हैं आप? समर्थन करने की बात मैं कर रहा हूँ कि जो लोग आप इस देश की व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, इस तरीके से जो लोग भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। बागपत के बड़ौ क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर संचालक को चकमा देकर चोर ने 15,000 रुपए पार कर दिए। चोर की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्टोर संचालक ने सोशल साइट पर चोरी का वीडियो वायरल कर आरोपी को ढूंढने का प्रयास शुरू किया, साथ ही पुलिस को वीडियो सौंप कर कार्रवाई की गुहार लगाई। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार और भारी मात्रा में लूटा हुआ माल बरामद किया। लखनऊ के SGPGI में एक मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 19 दिसंबर को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए नितिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शनिवार सुबह उसका शव कॉरिडोर में फांसी पर लटकता मिलने से हलकंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। हरदोई में मालगाड़ी के 19 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद हड़कंप मच गया। बगोली स्टेशन के पास मालगाड़ी के डेरेल होने की सूचना विभाग के अधिकारियों को लगी तो आनन फानन में मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रामपुर के थाना खजूरिया क्षेत्र में तेज रफ्तार DCM ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गाजियाबाद के सियाहानी गेट पुलिस ने फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आरोपियों ने बाकायदा फर्जी वेबसाइट बना रखी थी, जिस पर ये लोग लाने ले जाने के लिए माल बुक किया करते थे, लेकिन माल लेकर फरार हो जाना इनका काम था। दोनों नटवरलाल अब तक कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके थे। इनके पास से महंगी कारें भी बरामद हुई हैं। कौशाम्बी जिले में चोरों ने ATM मशीन तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की ये वारदात CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने CCTV के आधार पर एक आरोपी की शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आरोपी की निशानदेही पर चोरी की रकम भी बरामद की है। आगरा में किशोरी को दिनदहाड़े पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की घटना से देश भर में आक्रोश का माहौल है। बांदा में भी जयती फाउंडेशन की तरफ से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। संस्था की तरफ से पुलिस की गश्त और एंटी रोमियो दस्ते की मुस्तैदी बढ़ाने की मांग उठाई गयी।
आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।